नमस्कार, मैं प्रांशी दीक्षित। आइए रुक करते हैं खबरों का। खबर बरेली से बताते चले। तहसील परिषद में होमगार्ड ने की चौकीदार की पिटाई, अधिकारी गढ़ देखते रहे हैवानियत का तमाशा। बताते चले, लात घूसे राइफल की वाटों से किया चौकीदार का अधमरा। बताते चले पूरा मामला। थाना नवाबगंज की तहसील परिषद में होमगार्ड के द्वारा चौकीदार की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हिंसक पशु की तरह होमगार्ड चौकीदार को पीट रहा है। मामला मामूली कहासुनी का है, जिससे नाराज होकर होमगार्ड ने चौकीदार की पिटाई कर दी। ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोगों का वर्दी में होना फरियादियों और जनता के लिए भी सुरक्षित नहीं है, और होमगार्ड साहब के बुलंद हौसले पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि कैसे इनके पास आए फरियादी को न्याय की चौखट तक पहुँचते होंगे, जब अपने ही डिपार्टमेंट की कर्मी के साथ मामूली कहासुनी पर जान से मारने को उतारू हो गए, तो आखिर अन्य लोगों की कैसे सुरक्षा करते होंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए बरेली से हमारे संवाददाता भूपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तहसील परिसर नवाबगंज से संबंधित सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो होमगार्ड एक व्यक्ति को मारपीट रहे हैं। इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। पीड़ित को पहचान कर तत्काल उससे तहरीर प्राप्त की गई है और सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी नवाबगंज को विवेचना सुपुर्द की गई है। शीघ्र ही इस प्रकरण का विधिक निस्तारण कराया जाएगा।